एक खास खबर, जिला स्तर पर होगा विकलांगों के लिए स्वतंत्र कार्यालय। समाज कल्याण विभाग के काम होंगे कम। 372 पदों को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अनुमति मिल चुकी है। नागपुर, केंद्र सरकार ने विकलांगों के 7 प्रवर्ग को 21 प्रवर्ग किए हैं, जिनके वजह से इसमें विकलांग लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। विकलांगों की सभी योजनाएं जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग से ही क्रियान्वित की जाती है। जिला परिषद में कर्मचारियों की कमतरता के कारण विकलांगों को न्याय नहीं मिलता। इसके वजह से ही जिला स्तर पर विकलांगों के स्वतंत्र कार्यालय निर्माण करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग कोशिश कर रहा है। इस काम के लिए 372 पदों का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागों ने वित्त विभागों के पास भेजा है। जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विकलांगों की योजना क्रियान्वित की जाती है। इस कार्यालय में वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता व 6 सलाहकार, ऐसी 2 पदे है जिनके पास दिव्यांगों से जुड़ी सभी योजनाएं, दिव्यांग स्कूल के अनुदान, वेतन, शिष्यवृत्ति आदि काम का भार रहता है। केंद्र सरकार ने 7 प्रवर्ग से 21 प्रवर्ग किए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 29 लाख दिव्यांगों की संख्या है। बाकी 14 प्रवर्ग समाविष्ट करने की वजह से दिव्यांगों की लोक संख्या 70 लाख के आसपास जाने वाली है, जिसके कारण जिला परिषद समाज माध्यम से दिव्यांगों को न्याय देना साकार नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दिव्यांगों के प्रमाण पत्र से लेके विविध काम है जो उनको अलग अलग कार्यालय से करना पड़ता है। ये सब बातें ध्यान में लेते हुए सामाजिक न्याय विभाग ने हर जिले में दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र कार्यालय बनाने का निर्णय लिया है। हर जिले के सामाजिक न्याय भवन में ही ये कार्यालय रहने की बात बताई जा रही है। हर कार्यालय में 5 कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले इन्होंने बोला, शासन ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए निर्णय जाहिर किए हैं। धोरण के आगाज के लिए संबंधित विभागों को शासन निर्णय करना जरूरी है, इसलिए विभागों की बैठक भी आयोजित की गई है। इस बैठक में जिला स्तर पर स्वतंत्र कार्यालय कार्यान्वित करने का निर्णय लेकर वो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के बैठक में मान्यता के लिए इस मुद्दे को रखा गया है। न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNA सिंधी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।